पिछली बार जब आया था इस जंगल पे मैं घूमा था, साथ में ऊपर गांव है वहां पे भी घूमा था, लेकिन अभी क्या है शाम का समय होने वाला है, 6 बज रहे हैं। ये सर्विस जो चालू हुई है तो काफी अच्छा है उन यात्रियों के लिए जिन्हें चढ़ने में प्रॉब्लम्स होती है, जैसे वृद्ध लोग हो गए घूमने आते हैं तो हनुमान धारा की जो ट्रैकिंग है वो करने में दिक्कत होती है। ये है हनुमान धारा, तो यहाँ पे आकर ऊपर मंदिर भी बना हुआ है जहाँ से दर्शन कर सकते हो, बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं और नीचे का व्यू देख सकते हो कुछ इस तरह से दिख रहा है। आ गए हैं हनुमान धारा, रामघाट से 10 रुपये का किराया लगता है, 2.5 किलोमीटर पड़ता है करीब 3 किलोमीटर, और ये ऊपर चोटी तक हमको जाना है तो ट्रैकिंग करना पड़ेगा या फिर रोपवे का, दो ऑप्शन है आपके पास, और रोड भी बन रहा है साइड, तो अभी देखते हैं कैसा क्या है। और ऊपर रसोई भी है तो वहाँ पे भी चलेंगे, रोपवे का क्या चार्जेस है पहले ये देख लेते हैं चल के, वैसे भी समय कम है तो रोपवे ले लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आराम से जल्दी टाइम से पहुँच जाएंगे। तो पहले चलते हैं देखते हैं रोपवे का कैसे क्या सिस्टम है और कितना चार्जेस करते हैं रोपवे पे। तो वो काफ़ी ऊपर है और चढ़ाई और ट्रैकिंग करने में थोड़ा टाइम भी लगेगा, उसके लिए अभी रोपवे देख लेते हैं पहले। जैसा कि टाइम हो रहा है काफ़ी सारा और समय अपने पास नहीं है तो मैं रोपवे की तरफ जा रहा हूँ, ये इधर पे रोपवे है इस साइड पे यहाँ से, तो पूछ लेता हूँ चार्जेस कैसे हैं। 130 रुपये वैसे तो हैं, अगर एक तरफ का मिल जाता है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ ऊपर तक चलेंगे हम और आते वक्त नीचे अगर देखो हो सकेगा एक साइड का हो जाए तो ट्रैकिंग करके आएंगे वापस के हैं। रीज़न ये है कि टाइम कम है लेकिन घूमना ज़्यादा है तो रोपवे की वजह से चल रहे हैं, नहीं तो ट्रैकिंग करके चलते कोई दिक्कत नहीं था। अभी 5:30 बज रहा है तो ऊपर जाना है, फिर ऊपर घूमेंगे तो वहाँ पर भी टाइम लगेगा, इसलिए वापस जो है रोपवे से ही आ जाएंगे। और एक साइड का बोला कि नहीं यानी तो ट्रैकिंग करके वापस आ जाते, बोले कि दोनों साइड का ही रहेगा और 130 रुपये में दोनों साइड का है तो कोई ज़्यादा वो नहीं है, तो चलते हैं। और व्यू वगैरह कैसा रहेगा हम आप लोगों को बाद में दिखाएंगे कि व्यू वगैरह कैसा है। तो ये है रोपवे का स्टेशन और अभी जो है ये गेट जो है ऑटोमेटिक है तो ऑफ हो गया है, जो रोपवे है वो चल चुकी है फिलहाल। तो फर्स्ट टाइम मैं रोपवे पे बैठ रहा हूँ तो देखते हैं कैसा क्या है एक्सपीरियंस, काफ़ी अच्छा अच्छा सा व्यू मिले। अगर आप हनुमान धारा आते हो तो सुबह के टाइम आप इसको कवर कर लीजिए, बिकॉज मैं इतने लेट हो चुका था, 9:30 बजे मैं घर से मतलब रूम से निकला तो आप समझ सकते हो कितना टाइम बचा था, तो मैंने सोचा पहले जो दूर दूर के प्लेसेस हैं वो कवर कर लेता हूँ, बाद में जो पास पास के हनुमान धारा हो गया, कामतनाथ जी का मंदिर हो गया, लक्ष्मण पहाड़ी हो गया, ये सारे प्लेसेस जो है पास पास में पड़ते हैं तो बाद में ये कवर कर लेंगे। तो अभी देख सकते हो ये जो है रोपवे चल रही है और चलो व्यू दिखा देते हैं। तो अभी हम लोग चल रहे हैं ऊपर हनुमान धारा की तरफ और देख सकते हो कुछ इस तरह से व्यू दिख रहा है, भी अच्छा रहेगा अगर आप रोपवे के थ्रू जो है यहाँ पे आते हो। और यहाँ पे आने के लिए 2 सीढ़ियाँ दी गई हैं, एक ये इस तरफ से दी गई है और दूसरी ये नीचे साइड से जो सामने है आपको दिख रही है, दो तरफ से सीढ़ियाँ दी गई हैं तो दोनों जगह पे आप घूम सकते हो। और यहाँ पे आपको आने पे काफ़ी अच्छा लगेगा और आप व्यू देखिए कितना प्यारा प्यारा व्यू दिख रहा है नीचे का, तो ये देख सकते हो। तो अभी हम शायद आधी दूरी पे आ चुके हैं और मंदिर का देख सकते हो, यहीं से आप दर्शन कर सकते हो, तो काफ़ी अच्छा है एक्सपीरियंस यहाँ का। तो अभी हम बैठे हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है, यहाँ से हवा जो है काफ़ी अच्छी चल रही है, तो आप यहाँ पे आइएगा काफ़ी अच्छा आपको लगने वाला है। और हल्की हल्की जो है फव्वारा भी आ रहा है, फव्वारा क्या है बारिश हो रही है तो हल्का हल्का जो है छींटे पड़ रहे हैं बारिश के चेहरे पे, तो और भी मज़ा आ रहा है, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अभी पहुँचने पर टाइम लगेगा, रोपवे इसलिए मैं ले रहा हूँ ताकि जल्दी से मैं पहुँच जाऊँ सबको जो है दर्शन कराओ। और चलते हैं ऊपर, यहाँ पे बिल्कुल धीमे धीमे से रोपवे चल रही है क्योंकि काफ़ी ऊंचाई पे भी है। नई नई ही ये सर्विस जो चालू हुई है तो काफ़ी अच्छा है उन यात्रियों के लिए जिन्हें चढ़ने में प्रॉब्लम्स होती है, जैसे वृद्ध लोग हो गए घूमने आते हैं तो हनुमान धारा की जो ट्रैकिंग है वो करने में दिक्कत होती है, तो रोपवे के माध्यम से आ सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं, आराम से जो दर्शन है वो कर सकते हैं हनुमान धारा के।
काफ़ी अच्छा होने वाला है और बहुत सारे जो लोग हैं वो यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं और हनुमान धारा का जो दर्शन है करने में उनको दिक्कत रहती है, तो अभी रोप वे के माध्यम से उनको काफ़ी अच्छा रहेगा। तो फिलहाल व्यू आप ऊपर से देख सकते हो कुछ इस तरह से है और ऊपर ये है मंदिर और सबसे टॉप पे है ऊपर जहाँ पे रसोई है तो वहाँ पे भी लेके चले गए। दूसरी सीढ़ियाँ इस तरफ इस साइड से हैं और ये जो सामने वाली सीढ़ियाँ हैं तो दोनों सीढ़ियों से आप आ सकते हो और उधर ऊपर उधर पे जो है धारा एक बह रही है तो वहाँ पे भी लेके चलेंगे, तो उसी को हनुमान धारा बोलते हैं। एक वो है और एक वो दो साइड पे आपको दिख रही है। तो अभी फिलहाल हम आ चुके हैं ऊपर और बाद में आपको जो है हनुमान धारा दिखाएंगे। सबसे पहले ऊपर चलते हैं और ऊपर आपको दिखाते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं और दिखाते हैं आपको कैसा क्या है। तो ये है ऊपर हनुमान धारा। यहाँ पे और यहाँ पे ये है हनुमान धारा। तो यहाँ पे आकर ऊपर मंदिर भी बना हुआ है जहाँ से दर्शन कर सकते हो। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं और नीचे का व्यू देख सकते हो कुछ इस तरह से दिख रहा है। ये है पूरा व्यू। और चलो चलते हैं ऊपर, अभी और दिखाते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं वो आपको ऊपर दिखाते हैं। तो ऊपर है चूहा चौका रसोई। तो ऊपर चल रहे हैं और यहाँ पे जब आप आ रहे होंगे तो काफ़ी संभल गया ना, काई वगैरह जमे रहती है। अभी मेरा पैर फिसल गया था जहाँ पे हनुमान धारा थी वहाँ पे, तो चोट वगैरह जो है वो तो नहीं आई है, बट अब लोग आते हो तो थोड़ा संभल के आइए बरसात के मौसम पे। और साथ में हो सकेगा तो इधर पे लगे हुए हैं इनको पकड़ के चढ़े। तो आनंद आ गया। पानी क्यों नहीं पीना बेटा? 5 रुपए दे दे सफाई कर दे, तुम्हारे बेटे के नाम के एक समोसा खा ले। ऊपर 36 प्रकार के भोजन बनते हैं। तो अभी फिलहाल थोड़ी सी दूरी बची, तो अभी पहुंच रहे हैं, बस थोड़ी सी दूरी ही बची है और व्यू वगैरह काफ़ी अच्छा दिख रहा है, शायद आप लोग पीछे से देख पा रहे होंगे। और अभी थोड़ा नीचे घूमने जाना पड़ा है क्योंकि एक बार धोखा खा जाने के बाद थोड़ा देख के चलना पड़ेगा। तो अभी आ चुके हैं हम सीता की रसोई पे और यहाँ पे आके आप दर्शन कर सकते हो। ये है यहाँ पे मंदिर बना हुआ है और यहाँ पे खाना वगैरह और कुछ प्रसाद वगैरह खा सकते हो। बहुत सारे लोग जब यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं तो यहाँ पे कुछ ना कुछ जरूर खाते हैं। तो सबसे ज़्यादा ये प्रसिद्ध है तो रबड़ी है, तो वही अभी हम खाएंगे। प्रसाद खाने से पहले दर्शन कर लेते हैं। यहाँ पे आप दर्शन कर सकते हो, इसके बाद और भी और चीजें हैं, यहाँ से व्यू देख सकते हो। व्यू जो है काफी सुंदर दिख रहा है, ये देख सकते हो। और रोपवे में कोशिश किया है मैंने कि आप काफ़ी सारा एंजॉय करें। बाकी अभी कामतानाथ
शायद ये वाला पहाड़ी है जहाँ पे कामदानाथ का मंदिर है, तो वहाँ पे भी चलना है। और उधर वाली लक्ष्मण पहाड़ी हो सकती है, लेकिन अभी देखते हैं कैसा क्या है। कामतानाथ का मंदिर तो इसी पहाड़ी पे पड़ता है, और ये लक्ष्मण पहाड़ी है इस साइड वाली, तो परिक्रमा तो नहीं कर पाएंगे लेकिन दर्शन जरूर करा देंगे। और यहाँ पे आप दर्शन वगैरह कर दीजिए, वैसे भी मैं ज़्यादा जाता नहीं हूँ क्योंकि मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि मैं दर्शन क्यों नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ से प्रसाद जो है ले लेते हैं। नहीं आलू टिक्की नहीं है, ये कैसा है? कैसा है? 100 ग्राम दे दीजिए। ये वाला मीठा वाला नहीं, फीका वाला है। नहीं नहीं दे दो, कोई दिक्कत नहीं। चटनी डलवा दे। हाँ है भाई, हम लोग से चटनी डालते भैया। दो ले भाई, ले चटनी ले जा। ले चटनी ले भाई। तो अभी फिलहाल पहुंच चुके हैं हनुमान धारा पे और रबड़ी खाने वाले हैं। इसके पहले दिखा देता हूँ, थोड़ा हल्की सी चोट आई है। तो आप जब भी आते हो तो थोड़ा संभल के चलो, क्योंकि चढ़ाई में अभी बरसात का मौसम है तो क्या है, काई वगैरह लग जाती है। तो अभी हम खा रहे हैं रबड़ी, और रबड़ी का खा के आपको बताते हैं। अभी मैंने जो लिया है तो जिसमें शुगर कम रहती है वही वाला लिया है, क्योंकि शुगर वगैरह ज़्यादा। रबड़ी का स्वाद काफ़ी अच्छा है, और 300 रुपये किलो पड़ती है। तो आकर यहाँ पे आप प्रसाद खा सकते हो, और दर्शन वगैरह करना है हनुमान धारा पे दर्शन कर सकते हो। तो हनुमान धारा के पास ही बहुत सारी काई लगी हुई थी जहाँ पे पैर फिसल गया था। जैसे ही मैंने वीडियो बनाना बंद करके इसके बाद हमने सोचा चलो आगे चलते हैं, पानी पे पैर पड़ गया, पैर फिसल गया। व्यू थोड़ा दिखा देते हैं कि व्यू कैसे दिखते हैं। वहाँ पे भी बैठ जाता मैं, लेकिन वहाँ से व्यू अच्छा और दिखता है, लेकिन क्या है लोग थूक देते हैं ना यहाँ पे, बताओ बैठने वाली जगह पे तक थूक देते हैं। इसके पीछे एक गांव पड़ता है ऊपर साइड पे, मैं गया था। गाड़ियों के माध्यम से भी आ सकते हो। ये जो रोड दिख रही है ना आपको, ये वाली ये रोड है, तो ये रोड घूम के ये ऊपर आई है यहाँ तक। तो अगर आप बाइक से आ रहे हो अपनी पर्सनल बाइक से तो उसके माध्यम से भी आ सकते हो। अब यहाँ से दिखाते हैं आपको क्या क्या दिखता है। तो आप यहाँ रामघाट से बैठोगे और ये रोड आया है ये। अब यहाँ पे आके ये यहाँ से दिखते हो, एक रोड सामने आके आए तो ये वाली जो आप यहाँ से सीढ़ियाँ गई हैं इधर साइड से, उससे आना पड़ेगा। एक जो है वहाँ से घूम के ये वाली रोड से इधर से आया कि गाड़ी आपको वहाँ पे छोड़ेगी। तो आप इस वाली सब सीढ़ियों से आओगे ये वाली से, तो ये जो बनी हुए है रोप वे इसी से आओगे। और ये जो रोड गया है ये वाला, तो ये यहाँ पे आके ख़त्म होता है। तो अगर आप बाइक वगैरह से आ रहे हो तो इससे आ सकते हो। तो फिलहाल कुछ खाने पीने के बाद थोड़ा और घूमेंगे। पिछली बार जब आया था इस जंगल पे मैं घूमा था, साथ में ऊपर गांव है वहाँ पे भी घूमा था, लेकिन अभी क्या है शाम का समय होने वाला है, 6 बज रहे इतना हुआ है, 6:06 हो गए। और यहाँ पे ऊपर आप घूम सकते हो अगर दिन में आते हो तो। उधर पे तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, जंगली जानवर घूम सकते हैं। इसके लिए ये नीचे का व्यू वगैरह कुछ इस तरह से दिख रहा है, ये देख सकते हो। तो अभी यहाँ से वापस चलेंगे और कामतानाथ जी के दर्शन करेंगे, लक्ष्मण पहाड़ी हो सकेगा तो घुमाएंगे, नहीं तो फिर कभी अन्य वीडियो में, यानी कि जब कभी आएंगे तो फिर से घुमाएंगे। तो ये है सीता रसोई, और इधर से हम अभी निकल रहे हैं। चले
तो काफ़ी संभल के चलना है, क्योंकि जब बारिश हो रही है तो फिसलन भरी जगह, कहीं बीच में काई लगी होगी और आपका पैर फिसल गया। ये पत्थर हैं काले वाले, देख रहे हो, इनमें काई लगी हुई है तो पैर फिसलते हैं। भी व्यू वगैरह काफ़ी अच्छा दिख रहा है, और ट्रैकिंग करके भी आप आ सकते हो, ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन बूढ़े लोग जो है तो उनके लिए थोड़ा दिक्कत रहता है, तो आप रोपवे के माध्यम से आ जाइए। तो यहाँ का मुख्य दर्शन स्थल जो है वो सीता रसोई और हनुमान धारा है, तो काफी बचा के चढ़ना उतरना पड़ता है। ये देख सकते हो आप, नीचे लो बस, और का कहीं ये बंद तो ये है मंदिर, यहाँ पे आप दर्शन कर लीजिए। तो ये है हनुमान धारा इधर पे, भाई बचा के उधर चलना यार, अभी हम खुद गिर गए बच गए, काई लगी हुई है तो यहाँ पे अभी मैं गिर गया था, थोड़ी हाथ से चोट आई है। तो ये है हनुमान धारा, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ा और पानी पी लेते हैं। तो प्रसाद भी खा लिया, पानी भी पी लिया, और मीठा पानी है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे डाल साहब ने तो थोड़ा भी दिखा देते हैं, यहाँ पे दुकानें वगैरह लगी हैं, अगर कुछ लेना है आपको तो ले सकते हो। तो मैंने ध्यान नहीं दिया, ऊपर से ही कहीं का रोड होगा दूसरी तरफ का। तो ये व्यू यहाँ से कुछ इस तरह से दिख रहा है, यहाँ पे एक और रास्ता थी दूसरी वाली जाने के लिए, उस तरफ वाली, तो कहाँ से, उधर से ऊपर से जाना पड़ेगा। अच्छा, ये रास्ता है, तो एक ये रास्ता दी हुई है, तो यहाँ से भी आप आ सकते हो। तो फिलहाल अभी हम लोग वापसी हो रहे हैं, और टिकट का ये तो टिकट जो है उस पर डबल पिन मार दिया है, यानी कि रिटर्न चल रहे हैं अभी हम, और आ जाने दो ट्रॉली, फिर चलते हैं यहाँ से वापस और करवाते हैं फिर कामतानाथ जी के दर्शन आपको। अभी रोपवे को 10 से 15 मिनट के लिए रोक के रखा है, बोल रहे हैं कि हवा का तेज की वजह से जो है अभी 10 मिनट रोक के चलेगी,
देते हैं, जिसको जल्दी से पढ़ते हैं ऑटो और पहुँचते हैं कामतानाथ जी के दर्शन करने के लिए। तो फिलहाल जो है हनुमान धारा की यात्रा वो कंप्लीट हो चुकी है और अभी हम चले हैं कामतानाथ जी के दर्शन कर लेते हैं शाम को और फिर ट्रेन पकड़ते हैं और पहुंच जाते हैं कानपुर। तो यहाँ पे चल के अभी बैग वगैरह जूते वगैरह पहन लेते हैं, साथ में प्रसाद भी ले लेते हैं क्योंकि प्रसाद वगैरह मैं नहीं चढ़ा रहा हूँ, पूजा कर ही नहीं सकता हूँ, तो प्रसाद वगैरह लेकर वहाँ जाने का कोई फायदा ही नहीं है ना। वीडियो कैसे लग रहे हैं कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छे लगेंगे। और हाथ से ही व्लॉगिंग हो रही है, ट्राइपॉड वगैरह सब मैंने पैक करके रख दिया है। ऊपर था हनुमान धारा, शाम का समय है तो व्यू वगैरह ज़्यादा अच्छा दिख नहीं रहा था, थोड़ा बहुत धुल लिया व्यू आपको दिखाई दिया है और रॉ वीडियो हैं तो सेपरेट वीडियो जो है बाद में आ जाएगा। ले लेते हैं प्रसाद और बैग वगैरह। तो हनुमान धारा में दर्शन हो गया है और घूम भी चुके हैं और अभी निकल चुके हैं, यहाँ से पहुँचते हैं राम घाट वापस। तो राम घाट पहुँच के फिर मिलते हैं आप।